हे गाइस, वेलकम बैक टू साइकिल राइडर रॉय। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप खुद ही बड़े आराम से अपने साइकिल के जो गियर्स हैं पीछे के, उनको आप बहुत ही इजीली रिपेयर कर सकते हो। अभी करंटली जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे मार्लिन की येटी है, जो कि एक हार्ड टेल MTB बाइक है फ्रॉम मार्लिन बाइक्स। एंड मार्लिन की इस येटी में जो हमको गियर का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो सामने हमको 2 गियर मिलते हैं, पीछे 8 गियर्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास भी इसी तरीके के गियर्स हैं, जिसमें आपके पास पीछे गियर्स हैं, सामने गियर्स हैं, फिर चाहे आपके सामने का गियर जो है वो 2x है या 3x है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप कितने आराम से अपने साइकिल की गियर्स को खुद ही बड़े आराम से फिक्स कर सकते हो, अगर वो अच्छी तरीके से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो। नाउ सो करेंटली एज यू कैन सी कि हमारे पास जो पीछे यहाँ पे गियर्स है वो शिमानो एल्टस का है एंड 8 स्पीड का पूरा कैसेट है। हो सकता है कि आपके पीछे 7 स्पीड हो, 8 स्पीड हो, 9 स्पीड हो या 10 स्पीड हो, एंड शिमानो टर्नी से लेके हो सकता है कि आपके पास शिमानो ड्योर लगा हुआ हो। तो जो भी स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सभी डीरेलर्स के लिए सेम है। तो आपके पास जिस भी ब्रांड का डीरेलर हो, आप उसमें ये स्टेप को फॉलो करके अपने रियर के गियर्स को पूरी तरीके से फिक्स कर सकते हो। सो अभी करेंटली जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे साइकिल के जो गियर्स हैं वो देखो अच्छे तरीके से ऊपर नीचे देखो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ऊपर की तरफ ये शिफ्टिंग जा ही नहीं रही है, एंड अगर ऊपर चला भी जाता है तो देखो उसके बाद कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी इसमें आती है। हालांकि ये जो गियर्स अभी आपको यहाँ पे ख़राब दिख रहे हैं, मैंने ही इसको ख़राब किया है जानबूझ के, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपके गियर्स कितने आसानी से आप खुद ही ठीक कर सकते हो। आपको इस तरीके के एक मल्टी टूल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट मल्टी टूल गियर्स को रिपेयर करना उतना आसान होता नहीं है। 5 नंबर की एलन की का इस्तेमाल करके हमारे डीरेलर के यहाँ पे जो ये छोटा सा नट होता है, जो हमारे वायर्स को पूरी तरीके से पकड़ के रखता है, आपने इसको लूज़ करके अपने वायर को पूरा ऐसे ढीला कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। नाउ आप पूछोगे कि ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपके गियर्स को पूरी तरीके से रीसेट कर दे रहा हूँ जैसा वो नए कंडीशन में होना चाहिए। हमने वायर्स को यहाँ पे निकाल लिया है, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। नाउ अगले स्टेप के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो चेन है, यानी कि अगर आपके पास जो सबसे, अगर मान लो आपके पास 7 गियर है तो नंबर 7 पे होगा, 8 गियर है तो नंबर 8 पे, 9 गियर है तो नंबर 9 पे, ऐसे ही जैसा आपके पास गियर होगा, तो सबसे छोटे वाले गियर्स में आपने अपनी चेन को कर लेना है। बाई चांस अगर ये आपके सबसे छोटे वाले चेन में नहीं आ रहा है, तो आप 2-4 बार अपने पेडल को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के आप इसको सबसे छोटे वाले गियर्स में चेन को उतार दो। आपने कई बार देखा होगा कि आपके डीरेलर में यहाँ पे इस तरीके के 2 छोटे-छोटे स्क्रूज होते हैं, जिसमें आपको L एंड H लिखा हुआ होता है। L का मतलब होता है लोअर गियर एंड H का मतलब होता है हायर गियर। नाउ जो ये H वाला गियर होता है मीन्स हाई गियर, हाई गियर का मतलब है आपका सबसे यहाँ पे छोटे वाला गियर। H वाला जो यहाँ पे आपको नट मिलता है, ये आपके डीरेलर को स्टॉप करता है कि आपका जो चेन है सबसे छोटे वाले गियर से भी ज़्यादा आगे ना चला जाए, जिससे क्या होगा कि आपके गियर और आपके फ्रेम के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाके फंस जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी ये सेटिंग ख़राब हो रखी है, जनरली होता नहीं है बट बाई चांस अगर ये ख़राब है, तो आपने बस इस छोटे से मल्टी टूल का इस्तेमाल करके आपने बस इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या फिर अपने मल्टी टूल की हेल्प से ही इसको थोड़ा सा टाइट कर दो। एंड जब आप इसको टाइट करोगे, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ये जॉकी व्हील है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक जॉकी व्हील है, आपने देखना है कि आपका ये जॉकी व्हील और चेन बिल्कुल इसके पैरेलल एकदम सीधा बैठे। मतलब आपका जो यहाँ पे गियर है सबसे छोटा वाला और आपका जो यहाँ पे जॉकी व्हील है वो बिल्कुल 90° का एक एंगल बनाए, बिल्कुल सीधा। नाउ सेकेंड स्टेप जो आपने कर लेना है कि आपके जो यहाँ पे गियर्स के शिफ्टर होते हैं, उसके यहाँ पे आपको एक बैरल एडजस्टर मिलता है या फिर आपके शिफ्टर के एडजस्टमेंट के लिए मिलता है। तो आपने क्या करना है कि इस वाले नट को, जो यहाँ पे ये छोटा सा नट है, इसको आप घुमा के पूरा अंदर की तरफ कर दो, यानी कि पूरा अंदर की तरफ जब ये चला जाएगा तो ये पूरा अंदर जाके टाइट हो जाएगा। नाउ एक बार जब ये पूरा अंदर जा चुका है और एक बार जब आपने इसको पूरा अंदर कर दिया है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5 टर्न, 5 टर्न आपने इसको हल्का हल्का छोड़ देना है। नाउ अगला स्टेप है कि हमने जिस वायर को पूरा निकाल दिया था, उस वायर को हम अच्छे तरीके से अब वापस अपने डीरेलर के साथ लगाएंगे। इस स्टेप को करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका जो डीरेलर है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास WD-40 है या कोई भी नॉर्मल डीग्रीजर है या मल्टीपर्पज़ स्प्रे है, तो आप अपने डीरेलर के स्प्रिंग में उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा स्प्रे कर दो एंड अपने डीरेलर को क्लीन कर लो। तो इससे क्या होगा
कि अगर आपका जो डीरेलर का स्प्रिंग है उसमें अगर कोई जंग लग गया है या फिर वो जाम हो रहा है कहीं पे, तो वो फिक्स हो जाएगा और आपके गियर्स के शिफ्टिंग को स्मूथ करने के लिए काफ़ी हद तक काम देगा आपको। जो हमारे गियर्स के वायर हैं उसको हमने हमारे डीरेलर के साथ लगा देना है जैसे वो पहले पूरे तरीके से लगा हुआ था ना। तो इसको लगाने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके का एक प्लास का यूज़ कर लो अगर आपके पास घर पे है तो, एंड साथ ही साथ आपका जो मल्टी टूल मैंने आपको बताया था आपने उसका इस्तेमाल करना है। अभी हमने अपने गियर को सबसे लोएस्ट वाले पे उतार लिया है, तो मैं इस वायर को थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ के इसको थोड़ा सा टाइट करके मैं इसको खींच लूँगा ताकि ये वायर लूज ना रहे, और इसके बाद मैं इस केबल के टाइट करने वाला जो नट है हमारा उससे इसको पूरा अच्छे तरीके से लगा दूंगा ताकि ये पूरी तरीके से टाइट हो जाए। सो एक बार हम गियर्स को चेक करते हैं कि क्या इस स्टेप के बाद जो हमारा गियर है वो काफ़ी हद तक काम कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, अभी आप देख सकते हो कि हमारा गियर यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अभी मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करके देखता हूँ। ओके, जैसा कि आपने देखा कि इसने दो गियर एक साथ शिफ्ट कर दिए इंस्टेड ऑफ वन, और ऊपर वाले गियर में इसको जाने में दिक्कत हो रही है। देखो ये अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है, इसको भी हम अभी पूरा ठीक करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सबसे ऊपर वाले गियर्स पे मैं पहले पहुँचा देता हूँ जैसे हमने अभी इसको पहुँचा दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि मैंने जो यहाँ पे आपको L और H का स्क्रू बताया था, अब हमने L वाले स्क्रू को टाइट करना है ताकि जो हमारे ये डीरेलर है वो और ज़्यादा अंदर की तरफ शिफ्ट करते वक्त ना चला जाए कि वो जाके हमारे साइकिल के स्पोक्स में टच होके वो टूट जाए। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि हम एकदम पूरा पीछे जाके चेक करेंगे कि ये बिल्कुल सही जगह पे है और हमारे स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल 90 डिग्री के उसमें बना रहे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये डीरेलर है नीचे का जॉकी का व्हील वो हमारे चेन के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में आ चुका है। तो अब अगर मैं हमारे डीरेलर को पुश भी करने की कोशिश करता हूँ तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि मैंने एल वाले स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। तो हमने हमारे जो साइकिल के गियर में जो लिमिटिंग स्क्रूज होते हैं L और H यानी कि लोअर एंड हायर, उसको कर दिया है पूरी तरीके से सेट। अब वो ना तो ऊपर जाएगा और ना ही बहुत ही ज़्यादा नीचे उतरेगा, तो हमारा डीरेलर उसके परफेक्ट लोकेशन पे बना रहेगा। तो अब हम इसको फाइन ट्यून करेंगे जो हमारे यहाँ पे डीरेलर के यहाँ पे जो बैरल एडजस्टर होता है और साथ ही साथ जो शिफ्टर के वहाँ पे बैरल एडजस्टर होता है उसकी हेल्प से हम हमारे गियर की शिफ्टिंग को फाइन ट्यून करेंगे जिससे ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। हमने इसके लिमिटिंग स्क्रूज को पूरा कर दिया है सेट, ठीक है। आप देख सकते हो उतरने में देखो इसको दिक्कत हो रही है, मींस जो हमारा वायर है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो हम क्या करेंगे, इन केस अगर आपका जो वायर है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है तो आप अपने यहाँ से हल्का सा आप अपने वायर को लूज कर सकते हो। देयर यू गो, हमने इसको हल्का सा लूज कर दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा गियर का शिफ्टिंग है वो कैसा होता है। ओके, हमारा गियर अब देखते हैं कैसे ये शिफ्टिंग डाउन करता है कि नहीं। ओके, डाउन शिफ्ट। ओके, अभी मैं गियर्स को उतार रहा हूँ और ये लास्ट गियर। तो हमने हमारे गियर्स को सबसे लास्ट में उतार लिया है। तो और जैसा कि मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ कि हमारा जो गियर है वो थोड़ा सा कट 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 की आवाज़ उसमें आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो कट कट की आवाज़ आ रही है इसको फिक्स करने के लिए हम हमारे डीरेलर के यहाँ पे जो बैरल एडजस्टर है इसको करेंगे हल्का सा टाइट या लूज जब तक वो वायर की आवाज़ कम ना हो जाए। सो चलो आप ट्राई करते हैं कि हमारे जो साइकिल के गियर्स हैं वो परफेक्टली ऊपर शिफ्ट करते हैं या नहीं। ओके, परफेक्ट शिफ्ट पहला वाला, सेकेंड शिफ्ट भी अच्छे तरीके से हुआ, थर्ड शिफ्ट भी अच्छे से हुआ, चौथा शिफ्ट भी अच्छे से हुआ, पांचवा शिफ्ट, छठा, और ये लास्ट गियर भी हमारा बहुत इजीली पूरा शिफ्ट कर गया ऊपर। अब देखते हैं कि नीचे शिफ्ट हमारा अच्छे तरीके से होता है कि नहीं। ओके, आठवें से सातवें नंबर पे आ चुका है, ये छठे नंबर पे। ओके, हम देख सकते हैं कि पाँचवें नंबर पे आने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स कि जो हमारा वायर है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया है। तो हम इसको हल्का सा लूज कर देता हूँ मैं ताकि ये गियर्स आराम से उतरे, ठीक है। अब गियर्स को उतारते हैं, ठीक है, गियर्स ने उतर गया। ओके, ऑलराइट, सो हमारा गियर उतर गया और ये आखिरी गियर था हमारा, गियर चढ़ रहा है आराम से ऊपर तक, उतारते वक्त देख लेते हैं।
सो गाइज, आपने देखा कि कितना आसान है अपनी बाइसिकल के गियर्स को फिक्स करना, कि अगर आपके साइकिल के गियर्स थोड़े बहुत इश्यूज आपको देते हैं तो उसको आप बहुत ही आराम से अपने घर में ही पूरा फिक्स कर सकते हो। बेसिकली ये क्या फंक्शन होता है पूरे गियर्स का, कि जब हम अपने शिफ्टर को प्रेस करते हैं तो हमारी वायर खिंचती है तो गियर ऊपर चढ़ते हैं, और जब हम अपने फिंगर का इस्तेमाल करके गियर को लूज करते हैं तो गियर्स नीचे की तरफ आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है लूज एंड टाइट वायर का होने का। आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हो सकता है कि आपके गियर शिफ्टिंग को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन, कि अगर आपके साइकिल के जो वायर्स हैं उसमें अगर जंग लग गया है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने गियर वायर को पूरी तरीके से बदल दो, एंड अगर हो सके तो उसके बाहर का जो आउटर केबल होता है ब्लैक वाला, आप उसको भी चेंज कर दो। इन केस अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो तो आप WD-40 का इस्तेमाल करके महीने में या फिर दो महीने में एक बार जो आपके गियर का हाउसिंग है, मींस ऊपर का ब्लैक वाला वायर, के अंदर आप पूरा WD-40 को अच्छे तरीके से स्प्रे कर दो। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे रियर का डीरेलर है, इसको भी आप हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया करो, एंड जो WD-40 है उससे आप इसके स्प्रिंग में थोड़ा बहुत स्प्रे कर दिया करो, जिससे इसका स्प्रिंग अच्छे तरीके से वर्क करता रहेगा। तो ऐसे केसेस में आपने डरना नहीं है, आपके गियर्स किसी भी तरीके से खराब नहीं होंगे। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करके अपने गियर्स का सही कर सकते हो। अगर आपको इस साइकिल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे एक वीडियो है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ ही जो बेल बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को आप ऑन करके रखिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल